ओके क्लास नाइन, टुडे वी विल डू अ न्यू चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ मंकी नेम्ड टोटो एंड द ऑथर इज रस्किन बॉन्ड. वी विल डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ लेट अस सी हु इज टोटो. द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. दिस इज टोटो स्टूडेंट्स, ये है टोटो. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी कोई ऐसा pet देखा है या ऐसे लोगों के बारे में जानते हो या खुद आपके पास कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बंदर के बच्चे को पालतू बनाया हो? तो दूसरे देशों में तो popular है भी कुछ देशों में, लेकिन भारत में अभी भी वैसी चलन नहीं है कि हम घर पे बंदर पालें. So Toto is a baby monkey. Let us find out whether he is mischievous or docile. चलो कहानी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि वो मंकी कैसा है. या तो mischievous होगा, mischievous यानी शरारती, यहाँ मीनिंग में लिख के रखी हूँ, या docile, docile यानी जो बहुत शांत हो. तो हमें देखना है कि स्टोरी में टोटो बदमाशी करता है या वो बहुत ही शांत है दूसरे मंकीज के तुलना में. रस्किन बॉन्ड जो ऑथर हैं, उनके ग्रैंडफादर या दादाजी टोटो को लेकर आए थे एक टोंगा ड्राइवर के पास से, और कितने पैसे में लाए थे ये सब जानकारी अब इसमें आपको ध्यान रखनी है और अपने अपने बुक्स में आप लोग दाग लगा देंगे. ग्रैंडफादर बॉट टोटो. बॉट यानी खरीदना, BOUGHT, From a Tonga driver, you can see here, this is a Tonga driver, जो टांगा चलाता है, for the sum of 5 rupees. So remember, Toto was bought for how many rupees? 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. इसे हम पढ़ेंगे trough. ट्रफ यानी बच्चों नाद. आप नाद वगैरह में देखे होंगे, जानवर को खाना दिया जाता है, गाय भैंस घोड़ा को, गोल भी होता है. तो ये जो मंकी था ये रेड कलर था इसका स्किन, इसके हेयर्स, और इसे एक टांगे के ड्राइवर ने नाद में बांध के रखा था. ही वॉज टाइड टू अ फीडिंग, फीडिंग यानी जिससे भोजन करवाया जाए वैसा बर्तन. ट्रफ इज अ यूटेंसिल, और यहाँ पे ये ट्रफ को हम हिंदी में क्या कहेंगे? नाद. तो फर्स्ट पॉइंट यू रिमेम्बर हियर इज दैट ग्रैंडफादर बॉट टोटो. किसने लाया घर पे? ग्रैंडफादर ने. और कितने में लाया? तो ही बॉट इट फॉर 5 rupees. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस. वो मंकी उस जगह के लायक लगता ही नहीं था कि मानो कहीं बाहर से उसको लाकर किसी ने रख दिया हो देयर उस जगह पे. That grandfather decided, दादाजी ने निर्णय लिया, he would add the little fellow to his private zoo. रस्किन बॉन्ड के दादाजी जानवरों के शौकीन थे, उनकी बहुत अच्छी देखभाल करते थे, इस हद तक कि उनके घर में एक जू या चिड़ियाखाना अपना था, private यानी व्यक्तिगत. अब टोटो के बारे में description है. मार्क इन योर बुक, अपने किताब में दाग लगा लो कि टोटो दिखने में कैसा था. ये क्वेश्चन आता है, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. मतलब बंदर, आपका कोई मैम बंदर तो बंदर ही होता है, अगर कोई अच्छा ना दिखे तो हम कहते बंदर लग रहे हो, लेकिन मंकी में भी वो सुंदर था, उसके आंख नाक अच्छे लगते थे. हिज ब्राइट आईज, उसके जो चमकीले आंखें थी, स्पार्कल्ड विथ मिसचीफ. उसमें बदमाशी की वजह से उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थी, मानो कुछ सोच रहा हो. मिस्चीफ यानी शरारत. बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसके जो आईब्रोज थे वो काफी घने थे, डीप सेट थे, और उसके नीचे उसकी जो आईज थी वो हमेशा चमकती रहती थी शरारत में. एंड हिज टीथ, देख रहे हो ना बड़े बड़े दांत दिखा रहे हैं वो फाड़ के, विच वर अ पर्ली वाइट, जो बिल्कुल मोतियों के तरह चमकते थे, इसीलिए कहा जा रहा है पर्ली वाइट. पर्ल्स यानी मोती और वाइट हो गया रंग. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, अक्सर वो अपने दांत दिखाया करता था मुस्कुराते वक्त में. दैट फ्राइटेंड
द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. तो वो मंकी जब वो टोंगा ड्राइवर के बताए हुए जगह पे बैठा रहता था, कभी कभी वो अपने ऐसे करके दांत दिखाता था, तो जो सवारी वहां आती थी एंग्लो इंडियन लेडीज, यानी कि जो कि क्रिश्चियन है लेकिन इंडिया में पली बड़ी है या जन्मी है, तो उन्हें हम कहते हैं एंग्लो इंडियन महिलाएं. और जो बुजुर्ग होती थी एल्डरली, वो उसे देखकर डर जाती थी कि ये मुझे दांत क्यों दिखा रहा है. किसी भी व्यक्ति को डर लगता ही है बंदर से उस स्थिति में. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, पर उसके जो हाथ थे ना वो बहुत दुबले पतले थे, सूखे हुए लगते थे, एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. बच्चों पिकल्ड का मतलब है अचार डालना. जब हम किसी भी सामान को बहुत देर धूप में डालते हैं अचार बनाने के लिए, तो वो सूख जाता है. जैसे आम के जो टुकड़े होते हैं धूप में देने के बाद वो सूख जाते हैं, तो वैसे ही उसके हाथ लगते थे कि वो पिकल्ड इन द सन, यानी कि वो बिल्कुल सूख गए हैं फॉर मैनी ईयर्स, काफी साल तक. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, उसके उंगलियों में बहुत फुर्ती थी जो कि मंकी की स्पेशलिटी होती है. एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी पूंछ उसकी देखने में सुंदर लगती थी. मैंने दादाजी कहा करते थे, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स, कि अगर किसी को भी पूछो इंसान को भी ना, तो भी वो दिखने में सुंदर लगेगा. एंड ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड लाइक एनी अदर एनिमल, जिसकी लॉन्ग टेल होती है उसकी भी जो टेल थी वो एक तीसरे हाथ का काम करती थी. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन. He could use it to hang from a branch. वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल कैसे क्या करता था, किसी शाखा से लटकने के लिए. And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. और यदि कोई भी delicacy या अच्छा भोजन उसके हैंड्स के रीच के बाहर है, हाथ के बाहर है, और कोई यात्री या कोई भी व्यक्ति उसके बगल में खा रहा हो. आपने देखा है त्रिकुटी तपोवन के बंदर कैसे आपके हाथ से झपट्टा मार लेते, वैसे ही वो स्कूप अप एकदम तड़ाक से वो खाना डेलिकेसी अपने पूंछ के सहारे भी उनके हाथ से खींच लेता था. अब ग्रैंडफादर तो एनिमल लवर थे, लेकिन जो एनिमल लवर नहीं थी घर में वो थी दादी. ग्रैंड मदर को देखकर ही समझ में आ रहा है कि दादी खुश नहीं है. तो ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, हमेशा हंगामा करती थी. फर्स्ट यानी हंगामा करना. व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब भी वो अपने पर्सनल प्राइवेट जू में कुछ जानवर लाते थे दादी हमेशा गुस्साती थी. सो इट वॉज डिसाइडेड, निर्णय लिया गया, दैट टोटोस प्रेजेंस should be kept a secret. कि टोटो को घर लाया गया है, उसकी प्रेजेंस या उपस्थिति इसको एक सीक्रेट या राज रखो. Until she was in a particularly good mood, जब तक कि वो एक अच्छे मूड में ना आ जाए. तो भाई अब प्रॉब्लम हो गया कि कैसे छुपाया जाए टोटो को. तो ध्यान से पिक्चर देखो, ये है रस्किन बॉन्ड जो छोटे हैं, उस वक्त में वो छोटे थे, द ऑथर यानी लेखक एज ए यंग बॉय. और ये देखो छोटी सी अलमारी है. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल. छोटी सी तिजोरी क्लोजेट थी जिसके अंदर में जो कि खुलता था उनके सोने के कमरे के दीवार में, और उसके अंदर में घुसा दिया ग्रैंडफादर ने और रस्किन बॉन्ड ने कि उसकी दादी को अभी ना दिखे. Where he was tied securely, और सिर्फ अंदर ही नहीं घुसाया, उसको वहीं पे क्या किया, अच्छे से बांध भी दिए. और so we thought, या हमने ऐसा सोचा, मैंने उन्हें लगा कि हमने उसको बांध दिया है. और कहाँ बांधा था, to a peg. Peg यानी जो खुट्टी होती है ना दीवार पे, जिसपे शर्ट वर्ड लोग टांगते हैं, उसी को कहते हैं peg. ये सब वर्ड बुक में भी दाग लगा लो. Fastened यानी बिल्कुल कसा हुआ था into the wall.
दीवार में खुट्टी थी, उस खुट्टी पे उसको बांधकर उन लोगों ने इसी तिजोरी के पास में रख दिया कि भाई अभी अगर दादी को जब तक हम नहीं बताते हैं इसको छुपा के रखो। तो ये हो गई पेग फास्टेंड इन टू द वॉल, खुट्टी जो दीवार में बंधी हुई थी। नाउ सी डिड ग्रैंड मदर कम टू नो, लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, कुछ देर बाद वो लोग वापस कमरे में आए कि चलो भाई टोटो को निकाल देते हैं, काफी देर बंदा है बेचारा। वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। उस रूम के जो वॉल्स थे ना वो सजावटी कागज से, ऑर्नामेंटल यानी सजावटी कागज से जो वॉलपेपर होता है ना उससे सजा हुआ था, और वो बंदा उन कागजों को फाड़ कर पूरा दीवार को नंगा कर दिया था नेकेड, उसपे ईटा और प्लास्टर तक दिख रहा था, और वो सबको हाई मतलब वो एकदम बिंदास पूरा भूचाल घर में ला चुका था। तो वो लोग क्या उसको अलग करेंगे, और क्या किया है बंदे ने, देखो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि मुझे ये नया मालिक लाया और मुझे बंद कर दिया। जो दीवार में खूटी थी पेग, उसको क्या किया, द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, यानी कि जैसे कोई अगर जोर लगाता हो खुद को अलग करने के लिए तो वो खुट्टी पूरे दीवार से रेंच्ड यानी उखाड़ फेंका था बंदे ने। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और बेचारे ऑथर का जो स्कूल का ब्लेजर था, कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो उस पर लटका था, वॉज इन श्रेड्स, श्रेड्स यानी टुकड़े टुकड़े, उसके हाथ के तरफ देखो कैसे फट गया है। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, और रस्किन बॉन्ड टेंशन में आ गए कि जा अब दादी क्या बोलेगी जब कमरे में आएगी। बट Grandfather did not worry, उन्हें कोई चिंता नहीं थी। He seemed pleased with Toto's performance. वो तो बल्कि टोटो के इस परफॉर्मेंस से, इस करतब से मनी मन मुस्कुरा रहे थे कि वाह बेटा कमाल कर दियो हो। Now next. He is clever, said grandfather. वो उल्टे बोलते वाह कितना तेज है मेरा बंदर। Given time, अगर समय दिया जाए, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. वो कहते हैं अगर given time यानी थोड़ा सा time अगर दिया जाता हम लोग की तरफ से, I am sure, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे blazer के जो फटे हुए टुकड़े थे ना उसको बांध कर रस्सी या रोप बना लिया होता और वो खिड़की से बाहर एस्केप या भाग गया होता। मतलब दादाजी उसको इतना तेज समझ रहे हैं कि थोड़ा हम लोग अगर और लेट करते तो अभी तक तुम्हारे ही ब्लेजर का रोप या रस्सी बनाकर ये बंदर विंडो के बाहर फरार हो गया रहता। अब देखो हम ग्रैंडफादर के जू को देखते हैं, क्या क्या है उनके जू में, इसको अंडरलाइन कर लो, याद रखना है कौन कौन से जानवर थे, ठीक है। His presence in the house still a secret. उसके घर में जो उसका आना हुआ उपस्थिति वो अभी तक राज था, नहीं बताया गया था दादी को। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters. एक बड़ा सा पिंजरा था जो कि नौकरों के घर के तरफ रहता था, जहां नौकर घर के रहते थे और जहां की ग्रैंडफादर के और भी पेट्स या पालतू जानवर रहते थे। लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, सोशियबली यानी बहुत सामाजिक प्राणी थे बच्चों, और बहुत प्रेम से मिलनसार तरीके से रहते थे। वो कौन कौन रहते थे, अ टॉर्टोइस यानी कछुआ, अंडरलाइन कर लो बुक में, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ा खरगोश, अ टेम स्क्विरल यानी एक पालतू गिलहरी, और कुछ देर के लिए माई पेट गोट, उनके घर की जो बकरी है उसको भी कुछ देर वहां पे सर्वेंट के क्वार्टर में छोड़ देते थे, वरना गोट को घर पे भी अलाउड था। तो ये एनिमल्स मौजूद थे, और इसमें कौन जुड़ गया भाई, हमारा हीरो हीरालाल टोटो। अब उसकी शक्ल देखो,
उसको एक भी जानवर एकदम एक आंख से नहीं सुहा रहा, उसको अच्छा नहीं लग रहा है. बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. ये बंदर अपने किसी भी कंपेनियन या साथी को रात में सोने नहीं दिया. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग. अब ग्रैंडफादर समझ गए कि अभी दादी को तो पता नहीं है कि ये बंदर मैं घर लाया हूँ, अरे ये बाकी जानवरों को रहने ये देगा नहीं. तो उन्हें अगले दिन ना देहरादून से जाना था सहारनपुर. अंडरलाइन कर लो, ये लोग रहते हैं देहरादून में और ये लोग को जाना था सहारनपुर यानी उत्तराखंड में ही एक और शहर, जहाँ की उन्हें उस वक्त में पेंशन लेने के लिए खुद जाना पड़ता था. अब तो पेंशन अकाउंट में आता है लोगों का, लेकिन अभी उनको वहां लेने जाना था. तो वो सोचे कि मैं इसको अपने साथ ही ले जाता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ हंगामा करेगा, बाकी जानवर का जीना ये दुभर कर देगा. तो दादाजी ने इसको ले जाने का प्लान बनाया. अनफॉर्चुनेटली पर दुर्भाग्यवश आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. आई मतलब रस्किन बॉन्ड, वो ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा सके उस सफर पे. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट afterwards. लेकिन लौटने के बाद दादाजी ने बखान किया कि क्या क्या मेरे साथ हुआ इस बच्चे के साथ में. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. आप देख रहे हो ना कपड़े का जो बैग होता है कैनवस, थोड़ा मजबूत कपड़े का एक बैग दिया गया जिसको हम कैनवस किट बैग बोलते हैं. इसमें खिलाड़ी अपना स्पोर्ट्स आइटम भी ले जाते हैं, बैडमिंटन रैकेट या बैट ये सब. और इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉ डाल दिया गया यानी पुआल. दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, थोड़ा सा उसके नीचे में स्ट्रॉ या पुआल दिया गया. बिकेम हिज न्यू अबोर्ड. अबोर्ड मीन्स घर. रिमेंबर द वर्ड मीनिंग, अबोर्ड मीन्स हाउस. एंड व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, और अगर बैग का चेन बंद कर देते थे दादाजी, देयर वॉज नो एस्केप, यानी उसके लिए संभव नहीं था कि उस बैग को खोलकर वो बाहर निकल आए. लेकिन थोड़ी सी छेद कहीं जरूर रही होगी ताकि वो सांस ले सके. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग. टोटो कोशिश तो कर रहा था कि किसी तरह से मैं कहीं एक किनारे से अपना हैंड बाहर निकाल दूं, ना तो वो निकाल सका. एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग, और वो जो कपड़ा था ना वो इतना स्ट्रॉन्ग मजबूत था फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, कि उसके लिए संभव नहीं था कि वो उसके रस्किन बॉन्ड के कोट की तरह वो इसको फाड़ के निकल जाए. तो बेचारा अंदर रहा. अब देखो देहरादून में हैं दादाजी, ऑन लुकर्स यानी जो लोग वहां प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं. अब वो क्या देख रहे हैं कि इस बैग में कुछ हो रहा है. तो ये बैग क्या हो रहा है, हिज एफर्ट्स टू गेट आउट only had the effect of making the bag roll about on the floor. अब टोटो की जो efforts थी, कोशिशें थी निकलने की, get out, बाहर निकलने की, उसका effect क्या हुआ कि वो उसका वो bag वहां के floor पे रह रह के roll करने लगा, है ना, यहाँ से वहां वो गुड़गड़ाने लगा. and occasionally jump into the air, और कभी कभी वो उछलता तो उसका bag भी उछल जाता. अब ये जो एग्जीबिशन था ना, दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स, तो वैसे यात्री खड़े होकर देखने लगे कि भाई इसके अंदर है क्या जो ये ऐसे उछल कूद रहा है ये बैग. और ये सीन कहाँ हो रहा था, याद रखोगे, देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे. प्रदर्शनी की तरह इनको समझ नहीं आ रहा था, उनका आकर्षण हो गया कि आखिर ये ये बैग के अंदर है क्या चीज. तो सब एकदम सोच में पड़ गए, क्यूरियस क्राउड लग गया वैसे लोगों का, दर्शक का, जो कि खड़े खड़े देखना चाह रहे थे आखिर इस बैग में जादू हो रहा है या कोई इसके अंदर है. अब आगे देखो, टोटो रिमेन इन द बैग. टोटो को तो मजबूरी थी कि भाई हम निकल नहीं सकते, तो वो बैग में रह गया. एज फार एज सहारनपुर, मैंने जहां तक वो गए पेंशन लेने. बट जैसे ही वाइल्ड ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, वो जैसे ही टिकट दिखाने लगे, प्रोड्यूसिंग यानी बच्चों अगर कोई कहते हैं टिकट दिखाओ, जो होते हैं ना रेलवे की टीटी जो टिकट मास्टर, वो बोले टिकट दिखाओ, वो जैसे ही अपनी टिकट दिखा रहे थे रेलवे के टर्न स्टाइल पर. टर्न स्टाइल की फोटो मैं इसमें डालना भूल गई. टर्न स्टाइल
आप ध्यान दो कि जहां पे भीड़ ज्यादा होती है ना, तो मेट्रो स्टेशन में या नॉर्मल स्टेशन में भी स्टील का रॉड लगा होता है, जिसको घुमा घुमा के लोग पार्क में भी घुसते हैं या स्टेशन पे भी, एक एक करके ही घुसा जा सकता है। उसे कहते हैं टर्न स्टाइल, यानी एक बार रॉड घूमता है तो एक आदमी अंदर जाता है। तो वो वहां पे दे रहे थे टीटी को टिकट, एंड टोटो क्या करता है, सडनली पोक्ड हिज हेड, अपना हल्का सा सर ऊपर उठाया आउट ऑफ द बैग, बैग से बाहर, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और दांत चिहार के जैसे वो एंग्लो इंडियन औरतों को डराता था, वो बाहर निकलकर खुश था कि मैं तो आजाद हो गया, और उसने सामने जो टिकट कलेक्टर था उसको एकदम चौड़ी सी स्माइल दे दी कि हेलो मैं यहाँ हूँ। बस अब उसको तो अभी तक मालूम नहीं था कि जानवर है। पहले तो द पुअर मैन, बेचारा वो आदमी, वॉज टेकन अबैक, वो तो चौंक गया, हे भगवान ये क्या है। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन काफी बुद्धिमत्ता से, बहुत चालाकी से, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, और दादाजी को चिढ़ हो गई, अनोयंस हो गया, उन्हें चिढ़ लग गया, ही सेड सर यू हैव अ डॉग विथ यू, सर आपके साथ कुत्ता सफर कर रहा है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको तो इसका पैसा देना होगा, आपका जुर्माना भरना होगा, क्योंकि बिना टिकट के कुत्ता आपके साथ सफर नहीं कर सकता है, यू विल हैव टू पे। अब देखो कुत्ता तो वो नहीं था, वो टिकट कलेक्टर को भी मालूम था, लेकिन वो जानबूझकर उनको फाइन करने के लिए, क्योंकि डॉग्स का अलाउड था ट्रैवल उस वक्त में, तो उसने कहा ठीक है। इन वेन बहुत प्रयास किए लेकिन विफल हुए, ग्रैंडफादर डिड टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, वो बेचारा उसको बैग से बाहर निकाले, इन वेन, कोशिश बेकार हो गई ये प्रूव करने में कि ये मंकी है, ये कुत्ता नहीं है, और इवन एज अ क्वाड्रूपेड, क्वाड्रूपेड यानी चौपाया जानवर, ये भी वो समझाना चाहे कि इसका तो चौपाया जानवर में भी गिनती नहीं आएगा, क्योंकि वो चारों हाथ पैर जमीन पे रख के कहाँ चलता है। लेकिन टिकट कलेक्टर को तो पैसे लेने थे। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग, उसको उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो कुत्ता के श्रेणी में ही आता है, एंड बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर ने कहा नहीं नहीं ये कुत्ता के श्रेणी में आता है, और मुझे आप दीजिए इसका भाड़ा एंड 3 रुपीज। तो याद रखना कि इन लोगों ने खरीदा था 5 रुपीज में, और 3 रुपीज उसको देने पड़े सहरानपुर स्टेशन पे एज हिज फेयर, उसके भाड़ा के रूप में, कि इतना भाड़ा आपको इस जानवर का देना होगा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, अब ग्रैंडफादर को तो चिढ़ लगी हुई थी कि ये फालतू का ये मेरे से तर्क कर रहा है टिकट कलेक्टर, तो वो अपनी बात को मनवाने के लिए, टू गेट हिज ओन बैक यानी अपनी बात मनवाने के लिए, क्या किए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइस, उनके साथ उनके जेब में उनका पालतू कछुआ था, एंड सेड, गुस्सा के बोले, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, क्या मैं इसके लिए भी कुछ पेमेंट करूं, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं कि तुम सारे ही जानवरों के तुम दाम ले रहे हो भाई, तुम बंदर को कुत्ता बना के ले रहे हो, तो क्या मैं इसके लिए भी पेमेंट करूं। तो इस पे क्या जवाब दिया टिकट कलेक्टर ने, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, उसने नाटक किया देखने का, बहुत गौर से उसको उसका अवलोकन किया, प्रोडेड इट विथ हिज फोर फिंगर, और फिर उसको अपनी उंगली से भोंका, प्रॉड किया ताकि वो हल्का सा बाहर निकले और वो चिढ़ के बाहर आ जाए, एंड गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और एकदम गदगद होके एक विजयी भव का एक चेहरा बनाया उसने, ट्रायम्फेंट मानो वो जीत गया हो, उसने पैसे वसूल लिए, एंड सेड नो चार्ज इट इज नॉट अ डॉग, मतलब कोई बात नहीं ये जानवर कुत्ता नहीं है, इसलिए इस बार आपको इसका जुर्माना नहीं भरना होगा। सो दिस इज पार्ट वन, मैं यहाँ पे रोक रही हूँ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यहाँ तक के लिए यू कैन आस्क मी।